नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर किस तरह से हम किसी हितग्राही का जो जॉब कार्ड नंबर है वो फीड करें। और दोस्तों, और एक न्यू अपडेट और आया है, वो भी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मनरेगा का जॉब कार्ड है मजदूरों का, उसको किस तरह से हम आवास प्लस पोर्टल पर फीड कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता ही है, आप डाल सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG.NIC.IN। इस पर जैसे डालेंगे दोस्तों, तो यह स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। फिर या दोस्तों इस तरह से स्क्रीन दिखेगी आपको, आवास सॉफ्ट यहाँ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है डेटा एंट्री। ये देखिए, मैंने डाटा एंट्री पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, तीन यहाँ पर लॉगिन देखने लगते हैं। इसमें हम सबसे यहाँ वाले लॉगिन पर जाएंगे, डाटा एंट्री आवास प्लस। ये देखिए, मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट किया। आप अपना अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करते हैं। यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करने के बाद दोस्तों हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा न्यू अपडेट आपको दिख रहा होगा आवास प्लस पोर्टल पर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसमें जो ये आवास प्लस के अंतर्गत हमने लॉगिन करके रखा है अभी दोस्तों। यहाँ दिखेगा थोड़ा सा, अब चार ऑप्शन ही यहाँ पर दिख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन एलिजिबल फैमिलीज इन आवास प्लस डाटा, अपडेट नरेगा जॉब कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट और लॉग आउट, ठीक है दोस्तों। तो आज हम सबसे पहले सीखते हैं अपडेट नरेगा जॉब कार्ड नंबर, किस तरह से हमें किसी हितग्राही का नरेगा जॉब कार्ड नंबर फीड करना है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंस है इसमें, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यहाँ लिखा आ गया अपडेट जॉब कार्ड नंबर पंचायत। पंचायत आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपके लॉगिन है तो आपकी पंचायत ही दिखेगी उसमें। विलेज आपके सेलेक्ट कर लेंगे, जितने विलेज हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी में हमें क्या करना है, जिस भी हितग्राही का हमें आधार कार्ड फिट करना है, ठीक है। इसमें दोस्तों सारे हितग्राही दिखेंगे, है ना, जितने भी हमने आवास प्लस पे हितग्राही जोड़े थे वो सारे हितग्राही दिखेंगे। तो उनमें से हमें जिसका भी अभी आधार कार्ड नहीं, मनरेगा का जॉब कार्ड फिट करना है, उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक आपको इसमें क्लिक करके बताता हूँ एक हितग्राही का। जैसे मेरे यहाँ एक हितग्राही है, इनका मैं आधार अपडेट कर रहा हूँ, तो वो आधार नहीं मतलब जॉब कार्ड नंबर अपडेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमने इस पर क्लिक किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ अपडेट जॉब कार्ड नंबर, है ना। तो आपने पहले पंचायत सेलेक्ट करी, विलेज सेलेक्ट किया, फिर बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, प्लेस सेलेक्ट बेनिफिशियरी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन टू अपडेट द जॉब कार्ड, ठीक है। अब हम जॉब कार्ड को अपडेट कर रहे हैं। ये नेम आ गया दोस्तों, यहाँ हितग्राही का नेम आ जाएगा, यहाँ फादर और हस्बैंड नेम आ जाएगा, यहाँ पर पिताजी या पति का नाम आ जाएगा, जेंडर लिखा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ लिखा रहा है जॉब कार्ड नंबर, तो आपको यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर फिट करना है। चलिए मैं इस हितग्राही का जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर फिट करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने पूरा जॉब कार्ड नंबर डाल दिया है, पूरा जैसा शुरू से दिखता है जॉब कार्ड नंबर, पूरा उसकी पूरी वैल्यू डाल दी है, जॉब कार्ड नंबर पूरा डाल दिया है यहाँ से। दोस्तों आप भी इसी तरह से पूरा जॉब कार्ड डालें, जिससे क्या हो कि आगे रह के हमें आगे चल के हमें जब भी काम पड़े तो हमें पूरा पता रहे, तो इसलिए पूरा जॉब कार्ड नंबर आप डाल दें इस तरह से। अब दोस्तों ये देखिए, पूरा डिटेल डल चुकी है, अब हमें केवल यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा आ गया दोस्तों जॉब कार्ड अपडेटेड, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमें ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो गया, जो मैंने एक हितग्राही का आपको जो नरेगा का जॉब कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, वो किस तरह से अपडेट करना है प्रधानमंत्री आवास प्लस पोर्टल पर, ठीक है। तो एक एक हितग्राही का मैंने आपको करके बता दिया। आप इसी तरह से आपके जितने भी हितग्राही हैं दोस्तों, एक एक करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने बता ही दिया है, आप किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सेलेक्ट करने के बाद उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी और आपको वहां पर मनरेगा का जॉब कार्ड
फीड करना है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे आप जितने भी एथेराई को एक एक करके सेलेक्ट करेंगे सभी के यहाँ पर डिटेल मांगने लगेगा वो, और आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपका जॉब कार्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें इसके बाद कहाँ चलना है, सीधे होम ऑप्शन पर। तो दोस्तों ये हम होम ऑप्शन पर आ गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये इसमें अपडेट नरेगा जॉब कार्ड नंबर। तो इससे आप क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी आपके आवास प्लस पे हितग्राही हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप अभी से सबके जॉब कार्ड नंबर अपडेट करके रख लें दोस्तों, जिससे क्या होगा कि बाद में आपको दिक्कत नहीं जाए और आपको जब भी इसका आगे की प्रोसेस होती है तो किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हितग्राही का आप नरेगा का जॉब कार्ड नंबर जरूर अपडेट कर रख लें। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन एलिजिबल फैमिलीज इन आवास प्लस डाटा जो हमने सीखा था, इसमें एक नया ऑप्शन और आ गया, वो भी बता देता हूँ। तो इसलिए चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ दोस्तों आ गया रिमूव या रिमांड हाउस फॉर होल्ड फ्रॉम आवास प्लस पंचायत। पंचायत आपकी बाई डिफॉल्ट आप जिससे लॉग इन करेंगे वो आ जाएगी। उसके बाद विलेज, आप विलेज सेलेक्ट कर लें। विलेज सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों सब सारे ऑप्शन से जाएंगे विलेज, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके आवास प्लस में जितने भी हितग्राही थे रजिस्टर्ड वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों हमें एक समझदारी का काम करना है, यहाँ एक ऑप्शन और जुड़ गया आधार स्टेटस, है ना। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, अभी ऑल दिख रहा है सभी हितग्राही, अब इसमें क्या हो रहा है कि हो सकता है हम ऐसे हितग्राही को हटा रहे हो जिनका कि आधार शीट नहीं हुआ हो। ठीक है, क्योंकि जिनके हमने आधार शीट कर दी है वो तो पात्र थे और हमने उनका आधार चढ़ा भी दिया है। दोस्तों हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए जैसे ही मैंने आधार स्टेटस पर क्लिक किया यहाँ लिखा गया सीडेड या नॉट सीडेड। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आधार स्टेटस पे हम जो डाल रहे हैं सीडेड या नॉट सीडेड, तो इससे दोस्तों हमें ये फायदा हो जाएगा, यदि मान लीजिए हम ऑल पर सेलेक्ट करते हैं तो ऑल में तो क्या सारे हितग्राही जितने हमने आवास प्लस पर फीड किए हैं सारे हितग्राही दिखेंगे। यदि दोस्तों हमें लग रहा है कि यदि हमने केवल नॉट सीडेड मतलब जिनके आधार नंबर फीड नहीं किए हैं वही हितग्राही को हमें रिमूव करना है या हटाना है, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, नॉट सीडेड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अभी ऑल में आप बहुत सारे नाम देख रहे होंगे, अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी जैसे नॉट सीडेड पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए जिनके के आधार मैंने अभी तक फीड या सीट नहीं किए हैं, तो इसमें दोस्तों क्या होगा हमारा काम बहुत हल्का हो जाएगा। ये देखिए सात नाम ही दिख रहे हैं केवल जिनके के आधार नंबर फीड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ हो सकता है कि हम हमारे पास जिनके आधार नंबर फीड नहीं है उन्हीं को हमें अपात्र करना हो, उन्हीं का नाम हटाना हो, तो इसलिए दोस्तों इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आप नॉट सीडेड सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आपके हितग्राही कम हो जाएंगे। उनके बाद आपको आगे की प्रोसेस पता ही है कि जैसे मान लीजिए एक हितग्राही है तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जो चेकबॉक्स है इस पर क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें थोड़ी देर रुकना है, फिर आपको यहाँ बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे दोस्तों, इन डिजाइन में जिसमें से भी वो हितग्राही अपात्र हो रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप चूज फाइल करके या तो आपकी ग्राम सभा की जो फोटो जिसमें आपने प्रस्ताव पारित किया सबसे बढ़िया वही है उसको आप अपलोड कर दें, या कोई सा कंसेंट फॉर्म आपने लेके रखा है तो उसको यहाँ से अपडेट कर दें। दोस्तों बस ये ध्यान रखना है इसको 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, आपको कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं, और दोस्तों और भी जैसे भी कुछ न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बताता हूँ। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।